नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे नायब सैनी, भाजपा विधायक दल की मीटिंग में नाम पर लगी मोहर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नायब सैनी के नाम का किया ऐलान। सीएम सैनी का बड़ा ऐलान, शपथ के साथ ही 24,000 युवाओं को मिलेगी नौकरी। शपथ ग्रहण समारोह पर युवाओं को तोहफा। एंटी करप्शन ब्यूरो ने सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। एएसआई बलवान सिंह को 50,000 रिश्वत लेते किया काबू। पीड़ित ने दर्ज कराई थी शिकायत। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के लिए आज अहम दिन है। प्रदेशवासियों को आज नया सीएम मिल गया है। चंडीगढ़ में भाजपा विधायक दल की मीटिंग में नए सीएम के नाम का ऐलान कर दिया गया है। आज चंडीगढ़ में भाजपा विधायक दल की मीटिंग में नायब सैनी के नाम पर मोहर लगा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव बतौर पर्यवेक्षक चंडीगढ़ में विधायक दल की मीटिंग में शामिल होने पहुंचे थे, जहां नायब सैनी के नाम पर मोहर लगा दी गई है। बता दें कि हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने पार्टी के सभी विधायकों को 16-17 अक्टूबर को चंडीगढ़ में रहने के निर्देश दिए थे और इसके बाद सभी विधायक चंडीगढ़ पहुंचे हुए हैं और कल 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा। हरियाणा के नए सीएम नायब सिंह सैनी होंगे और पंचकुला स्थित भाजपा दफ्तर में भाजपा विधायक दल की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से चुन लिया गया है और सैनी कल गुरुवार को पंचकुला में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। ऐतिहासिक जीत के बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की नजरों में नायब सिंह सैनी का कद भी बढ़ा है। इस बीच फिर नायब सैनी ने युवाओं को हौसला देते हुए कहा कि शपथ ग्रहण समारोह पर युवाओं को भी तोहफा मिलेगा। शपथ के साथ ही 24,000 युवाओं को भी नौकरी मिलेगी। नई सरकार की शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में होगा। पंचकुला में कल 17 अक्टूबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के चलते शहर में बुधवार और वीरवार को वीवीआईपी मूवमेंट अधिक रहेगी। चंडीगढ़ पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। बुधवार को कई सड़कें बंद रहेंगी और कई पर रूट डायवर्ट किया गया है। सुबह करीब 11:30 से दोपहर 12:30 बजे तक और दोपहर 3 से शाम 4 बजे तक कई सड़कों को सामान्य ट्रैफिक आवागमन के लिए बंद रखा जाएगा। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कुछ अन्य सड़कों पर यातायात की आवाजाही प्रतिबंधित डायवर्ट की जा सकती है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए पंचकुला पुलिस ने यातायात प्रबंधन के मद्देनजर पार्किंग और सड़क मार्गों की एडवाइजरी जारी की है। निमंत्रण के साथ क्यूआर कोड भी जारी किया जा रहा है ताकि गूगल मैप से जाकर वाहन पार्क करने वाले जगह तक पहुंचने में परेशानी ना हो। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने सोनीपत जिले के सिटी पुलिस थाने में तैनात एएसआई बलवान सिंह को 50,000 की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता के भाई को समझौते के प्रति उपलब्ध करवाने के बदले में रिश्वत की मांग की गई थी और इस मामले में अनुसंधान जारी है। इस बारे में जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को इस बारे में शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके भाई के खिलाफ सिटी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की गई थी। इस संबंध में दोनों पक्षों के बीच में समझौता हो गया था। आरोपी बलवान सिंह शिकायतकर्ता के भाई को समझौते के प्रति उपलब्ध कराने के बदले में 50,000 की रिश्वत की मांग कर रहा है और इस मामले में आरोपी द्वारा शिकायतकर्ता से 3,50,000 रुपए की रिश्वत पहले ही ली जा चुकी है। मामले की पुष्टि करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए योजना बनाई। रेड के दौरान आरोपी बलवान सिंह रिश्वत की राशि लेकर मौके से फरार हो गया, जिसे कुछ देर बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम द्वारा पकड़ लिया गया और इस मामले में आवश्यक सबूत जुटाते हुए जाँच की जा रही है। युवाओं को नशे से दूर रहने और खेल के प्रति जागरूक करने के लिए हरियाणा महिला आयोग एक विशेष अभियान शुरू करने जा रहा है। इसको लेकर खेलों के क्षेत्र में दुनिया भर में भारत का नाम चमकाने वाले नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, नवदीप शरण, प्रणव सूरमा समेत 20 ओलंपियन को आयोग ब्रांड एम्बेसडर बनाने की तैयारी कर रहा है। महिला आयोग ने खेल विभाग से ओलंपिक और पैरालंपिक खिलाड़ियों की सूची मांगी है। खेल विभाग की ओर से खिलाड़ियों की सूची तैयार कर 2 दिन में महिला आयोग को भेज दी जाएगी। सभी खिलाड़ियों के साथ बातचीत के बाद आयोग की तरफ से अंतिम सूची फाइनल की जाएगी, लेकिन प्रदेश के 20 ओलंपियन को महिला आयोग का बॉन्ड एम्बेसडर बनाया जाना तय है। महिला आयोग की तरफ से 20 अक्टूबर को पानीपत में कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है। आयोग की तरफ से इन सभी 20 ओलंपियन को इन कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा और इसके लिए खिलाड़ियों से संपर्क किया जा रहा है।
हरियाणा के पानीपत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड पर 35,84,00,000 रुपए हर्जाना लगाया है। एनएफएल ने यहां से निकलने वाली राख का समय पर निस्तारण नहीं किया था और हवा चलने पर यहां पर राख उड़ती है और बरसात में पानी में मिलकर राख भूजल को खराब करती है। इस हत्या के साथ कौशल किशोर विश्वकर्मा नाम के व्यक्ति ने एनएफएल के खिलाफ एनजीटी में केस दायर किया था और एनजीटी ने इस केस में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित 4 अधिकारियों को एक कमेटी गठित की थी और कमेटी ने थर्मल के पास राख के डंपिंग प्वाइंट का निरीक्षण किया। 9 सितंबर को अपीलकर्ता की अपील को गंभीरता से लिया गया और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट एनजीटी में पेश की। 13 सितंबर को एनजीटी ने एनएफएल पर 35,84,00,000 रुपए का हर्जाना लगा दिया और इसको भरने के लिए एक महीने का वक्त दिया गया था। अब एनएफएल को यह जमा करवाना होगा। इस राशि को बेहतर पर्यावरण बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। हरियाणा के यमुनानगर जिले में खेतों से धान की फसल काटने के बाद अवशेषों में आग लगाने के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि पराली जलाने वाले किसानों पर अब कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी। यदि किसी ने भी अब खेत में पराली जलाई तो उसके खिलाफ थाने में सीधे FIR दर्ज कराई जाएगी, जबकि इससे पहले अब पराली अवशेषों में आग लगाने पर किसानों पर 2,500 रुपए प्रति एकड़ जुर्माना लगाने का प्रावधान था। प्रशासन के इस निर्णय से पराली जलाने के मामलों में काफी कमी आ सकती है। हालांकि पिछले वर्ष 98 मामले सामने आए थे, जबकि इस बार इन मामलों में काफी कमी आई है। बता दें कि जिले में अब तक पराली जलाने के 20 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से ट्रेस हुए 11 मामलों में किसानों पर 27,500 रुपए का जुर्माना किया गया था। बहादुरगढ़ में एक युवक की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है। युवक के सिर पर पत्थर से कई बार वार करके उसकी हत्या की गई है। ये वारदात बहादुरगढ़ सिटी थाने से महज 50 मीटर दूरी पर हुई है। हत्या बहादुरगढ़ शहर के अंदर से होकर गुजर रहे दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे पर स्थित PWD रेस्ट हाउस के बिल्कुल सामने हुई है। वारदात का पता सुबह के समय चला जब लोग अपने घरों से बाहर निकले। घटना की सूचना मिलते ही शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की गई। मृतक युवक के सिर पर पत्थर से एक के बाद एक कई वार करके इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आसपास की दुकानों पर लगे CCTV कैमरे की फुटेज भी खंगालनी शुरू कर दी है। फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया ताकि इस वारदात से जुड़े सभी साक्ष्य जुटाए जा सके। शहर थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर इस तरह की वारदात होने से शहर के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। हरियाणा के अम्बाला में दीपावली और छठ पर्व सहित अन्य त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने 8 विशेष ट्रेनों के संचालन का फैसला किया है। विशेष 30 ट्रेनों की समय अवधि में भी बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे कि यात्रियों को कंफर्म टिकट के सहारे इन विशेष ट्रेनों में सफर करने का मौका मिल सके। रेलवे ने आगामी त्योहारों के मद्देनजर भीड़ भाड़ वाले रेल मार्गों को पहले ही चिन्हित कर लिया था। रेलवे ने 8 विशेष ट्रेनों के संचालन को लेकर भी कार्रवाई शुरू कर दी है और इन ट्रेनों में आरक्षण की सुविधा भी प्रदान की गई है, जिससे कि यात्री समय रहते इन ट्रेनों में कंफर्म सीट की बुकिंग करवा सकेंगे। रेलवे ने किसी भी विषय में परिस्थिति से निपटने के लिए इस बार त्योहारों के दौरान चाक चौबंद व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश दिए हैं और इसके तहत अम्बाला मंडल के अधिकारियों की जिम्मेदारी लगाई गई है, जो कि स्टेशन पर निगरानी करेंगे और इसके अलावा GRP RPF को भी पूरी तरह से सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए ताकि कोई भी अप्रिय घटना न हो। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम TV।